YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो हम बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करेंगे। वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है, बुलिश मोड में है या बेरिश मोड में है, साथ साथ डेली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, हर टाइम फ्रेम पर हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अब बैंक निफ्टी चार्ट पे किस तरह का दिख रहा है और बैंक निफ्टी आने वाले समय में क्या कर सकता है, यहाँ से तेजी दिखाएगा या हमें बैंक निफ्टी में एक डाउनफॉल देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट पर देखते हैं। देखिए वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी भी, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते। देखिए ये सपोर्ट लेवल है, जस्ट यहीं से देखिए वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी यहाँ पर बाउंस बैक करता हुआ देखते मिल रहा है। यहाँ से हमें तेजी देखने मिला यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए, साथ ही साथ आप यहाँ पर मिलाएंगे एक ट्रेंड लाइन भी आपको मिलता हुआ दिखेगा और ये ट्रेंड लाइन भी जस्ट यहीं पर देख सकते हैं, ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर इस सपोर्ट भी है एक छोटा सा और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, मतलब इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो हम तब बेयरिश हो जाएंगे। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं, इसके नीचे हम सस्टेन करते हैं, ऑन डेली चार्ट हम इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बैंक निफ्टी हमारा बेरिश हो जाएगा। तो फिर हमें बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त डाउनफॉल, मतलब एक तेज गिरावट देखने मिल सकता है। वही बात करें यहाँ पर जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल है वो ये है। देखिए ये रेसिस्टेंस लेवल है 37,582 का। अगर हम इसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो फिर यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगा, जिसका नेक्स्ट टारगेट होगा इसका ऑल टाइम हाई का, जो कि 41,786 का। वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है, हम बेयरिश नहीं हुए हैं। यहाँ से हो सकता है बैंक निफ्टी फिर से एक नया हाई बना सकता है, तो नया हाई बनाने के लिए इसको इस रेसिस्टेंस को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर, डेली चार्ट पर क्या सिनेरियो है उसको देखते हैं। अब देखिए डेली चार्ट पर जैसे हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए जबरदस्त यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है। देखिए यहाँ पर दोनों का जो लो है थोड़ा सा, ये लो जो है वो थोड़ा सा ऊपर है तो और अच्छा है, यहाँ हम लगभग डबल बॉटम बनाता हुआ देखने मिल रहा था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ही ये यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर रैली किया था पिछले दिन और आज थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन किया ऊपर ही, मतलब पिछले दिन के क्लोजिंग से नीचे हम क्लोज नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर ये साथ ही साथ हमारा सपोर्ट लेवल है, अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हैं तो हम फिर बेयरिश हो जाएंगे। डेली चार्ट पर यहीं पर हमको ये रेसिस्टेंस भी दिख रहा है कि ये रेसिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के लिए, अगर हम इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो फिर हम जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा वो ये होगा 37,388 का। तो यहाँ तक हम आ सकते हैं अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं। फिलहाल यहाँ पर कल हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर गैप अप ओपन हो या हम गैप डाउन ओपन हो करके फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करें, तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस तक आ सकते हैं। तो फिलहाल डेली चार्ट पे हम काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वीकली चार्ट पर अभी भी बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं हम आवरली चार्ट पर, जो इंट्राडे के लिए हम यूज करते हैं। आवरली चार्ट पर जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होगा उसका यूज हम इंट्राडे बेसिस पे करते हैं डे ट्रेडिंग में। आवरली चार्ट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर हमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो पूरी तरह से साइडवेज है। यहाँ पर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा रेसिस्टेंस रीजन हो गया और यहाँ पर हमारा ये सपोर्ट रीजन है। तो इस रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच हम कई दिनों से साइडवेज हैं, तो पूरी तरह से आवरली चार्ट पे हम जो है साइडवेज हैं। यहाँ पर हम अगर रेसिस्टेंस रीजन ड्रॉ करें तो ये हमारा रेसिस्टेंस रीजन है और यहाँ पर सपोर्ट रीजन ड्रॉ करें तो ये हमारा सपोर्ट रीजन है। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस रीजन के बीच हम कई दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, तो आवरली चार्ट पे कंप्लीट रूप से बैंक निफ्टी अभी साइडवेज है। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी फिर बेयरिश हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स पर। तो यहाँ पर 15 मिनट पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी पूरी तरह से बुलिश मोड में है। यहाँ से जबरदस्त रैली बैंक निफ्टी में देखने मिला और फिर यहाँ पर एक जबरदस्त बुल रैली के बाद थोड़े से साइडवेज यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर जो साइडवेज मोमेंटम हो रहा है उसमें ये सपोर्ट रीजन है और ये सपोर्ट रीजन को ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट रीजन है अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हम बेयरिश हो जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है इसको अगर ब्रेक करता है पूरी तरह से बैंक निफ्टी यहाँ पर बेयरिश हो जाएगा। तो लोअर टाइम फ्रेम जो हमारा 15 मिनट, अगर वही बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस रीजन को ब्रेक करता है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर बैंक निफ्टी यहाँ से पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा लोअर टाइम फ्रेम पर, और जो हायर टाइम फ्रेम है वीकली चार्ट उस पर भी बैंक निफ्टी बुलिश है। साथ ही साथ आवरली चार्ट पर बैंक निफ्टी जो है पूरी तरह से साइडवेज मोमेंटम में है और डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी काफी वीक है। तो यहाँ पर जो लोअर टाइम फ्रेम है और जो हायर टाइम फ्रेम है दोनों पर बैंक निफ्टी काफी बुलिश दिख रहा है, 15 मिनट चार्ट पे भी और वीकली चार्ट पे भी।
आवरली चार्ट पे साइडवेज है और डेली चार्ट पे काफी वीक है। यहाँ पर लॉन्गर टाइम फ्रेम वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी को बेरिश होने के लिए इसे अपने लो को ब्रेक करना पड़ेगा जो कि है 34,240 का। इसके नीचे मतलब 34,200 के नीचे हम ट्रेड करने लगते हैं तो फिर यहाँ पर हम जो सपोर्ट रीजन है वीकली चार्ट पर उसको ब्रेक कर देंगे। हेडलाइन सपोर्ट और जो नॉर्मल सपोर्ट है उस सपोर्ट रीजन को ब्रेक कर देंगे तो फिर वीकली चार्ट पे भी बैंक निफ्टी बेरिश हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वीकली चार्ट पे काफी ज्यादा यहाँ पर रैली देखने मिला है, काफी रिकवरी देखने मिला है, काफी मतलब बैंक निफ्टी में तेजी देखने मिला है। तो यहाँ पर अगर हम कल इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो फिर बैंक निफ्टी पूरी तरह से बुलिश हो सकता है। अगर हम इस रेजिस्टेंस रीजन को क्रॉस कर जाते हैं जो कि पहला है 35,280 का और दूसरा है 35,465 का। और ऐसे ही एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।